मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार अब लेट सिंगर लता मंगेशकर के सम्मान में तमाम घोषणाएं कर रही है, जबकि महाराष्ट्र में लता जी को याद कर चिरस्थायी बनाने के लिए कोई भी अनाउंसमेंट न होने को लेकर अब बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। और इसी मुद्दे पर अब मुंबई के नॉर्थ ईस्ट सीट से सांसद रहे मनोज कोटक ने महाविकास अघाड़ी सरकार को घेरा। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर अब लता मंगेशकर को उचित सम्मान नहीं मिल रहा। इस मामले पर राजनीति होना शुरू हो चुका है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला कर रही है। मुंबई उत्तर पूर्व से बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने पूछा है कि सरकार यहाँ पर कर क्या रही है। लता जी के सम्मान में उन्होंने ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की। बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने कहा है कि जब मध्य प्रदेश और यूपी की सरकारें भारत रत्न लता मंगेशकर की यादों को सहजने के लिए उनके लिए सम्मान और तमाम चीजों की घोषणाएं कर रही है, तो आखिर महाराष्ट्र सरकार को ऐसा करने से कौन रोक रहा है? महाराष्ट्र सरकार किससे डर रही है? उन्होंने पूछा कि क्या उद्धव सरकार वीर सावरकर के साथ लता जी के संबंधों के कारण दबाव में है? शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन की महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि इंदौर में लता मंगेशकर के नाम से संगीत एकेडमी बनाई जाएगी, महाविद्यालय बनाया जाएगा, संगीत संग्रहालय की स्थापना भी की जाएगी और साथ ही इंदौर में लता मंगेशकर जी की एक प्रतिमा को भी स्थापित किया जाएगा। बता दें कि एमपी में साल 1984 में संगीत निर्देशन के पार्श्व गायन के क्षेत्र में लता मंगेशकर को सम्मान दिया जाएगा। यूपी में भी बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लता मंगेशकर की स्मृति को प्रदर्शन कला अकादमी स्थापित करने की अनाउंसमेंट की। स्वर कोकिला ने निधन के चलते पार्टी ने दो दिन पहले ही संकल्प पत्र जारी किया था और यहां पर इस तरीके की बात और यहां पर लता मंगेशकर को सम्मान देने की बात की थी। सांसद कोटक ने ट्वीट के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला। इसमें बताया गया कि वीर सावरकर की ने मिजासी ने परत मातृभूमि कविता प्रसारित करने के बाद लता जी के भाई पंडित हृदयनाथ मंगेशकर की आकाशवाणी केंद्र से नौकरी भी चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यसभा में लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर को नौकरी से बर्खास्त कर देने के बारे में जिक्र किया था और कांग्रेस पर सवाल उठाए थे। यह है पूरी खबर जहां पर लता मंगेशकर को सम्मान नहीं मिल रहा, इस पर मुंबई सरकार पर उठ रहे लगातार सलवार। नेक्स्ट सन लाइफ की रिपोर्ट।